दोस्तों, आपने इमेजिन टीवी का शो बाबा ऐसो वर्ल्ड ढूंढो तो देखा ही होगा, जिसमें छोटी हाइट वाली लड़की भारती का किरदार को दिखाया गया था, जिसकी हाइट कम होने की वजह से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर वह उन सभी परेशानियों का डटकर सामना करती है और खुद को साबित करती है। इस किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री जूही असलम ने इस किरदार को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था और देखते ही देखते ये सभी दर्शकों की फेवरेट अभिनेत्री बन गईं और अपने इस किरदार के साथ एक घरेलू नाम बन गईं। लेकिन दोस्तों, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इनके बारे में नहीं, इनकी प्रॉपर्टी और लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही भारती के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाबा ऐसो वर्ल्ड ढूंढो सीरियल में भारती के किरदार से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री जूही असलम का जन्म 8 अक्टूबर 1990 को शिकोहाबाद में उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से हुई। अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बाबा ऐसो वर्ल्ड ढूंढो सीरियल से की थी, जिसमें ये भारती का किरदार निभाकर एक घरेलू नाम बन गई थी। इसके बाद इन्होंने कबूल है, जोधा अकबर, वॉरियर हाई जैसे सीरियल्स में काम किया। इन्हें आखिरी बार सीरियल बड़ो बहू में था, जिसमें इन्होंने छोटो बुआ का किरदार निभाया था। इस शो के बाद इन्होंने किसी शो में काम नहीं किया और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गयी, पर जब ये शो में काम करती थी तो ये पर एपिसोड 50,000 रुपए चार्ज करती थी। लेकिन अगर बात करें इनकी प्रॉपर्टी के बारे में तो इनके पास टोटल 50 लाख की प्रॉपर्टी है, जिनमें इनका उत्तर प्रदेश में एक घर है और इस घर को इन्होंने खुद के पैसों से बनाया है। इनका ये घर काफी अच्छा और सुंदर है, जिसे इन्होंने खुद सजाया है और ये अपने घर में पति करीम, बेटे रहीम और सासू माँ के साथ एक खुशी परिवार की तरह रहती है। इसके साथ ही इनकी एक लाइफ स्टाइल की बात करें तो ये काफी अच्छी लाइफ स्टाइल जीती हैं, जिनमें इनके कपड़ों पर काफी ध्यान देती हैं। ये वैसे तो कई तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जिनमें सूट से लेकर साड़ी, गाउन सभी शामिल हैं और इनकी एक आउटफिट की कीमत लगभग 20,000 तक होती है और साथ ही इनके पास ज्वेलरी का भी अच्छा कलेक्शन है। इन्होंने जो अपनी शादी में ज्वेलरी पहनी थी, मांग टीका, नथ, नेकलेस सभी गोल्ड का था, जिसकी कीमत काफी ज्यादा थी। साथ ही इनके पास जिंदगी में आरामदायक बनाने के लिए मारुति सुजुकी जैसी गाड़ियां हैं। दोस्तों, आपको भारती का किरदार, इनका अभिनय कैसा लगा था, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।